हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। बहुत सारे बच्चे भी परेशान हैं ये रिजल्ट के बारे में, और मैं कोई वीडियो बना भी नहीं रहा था इसके लिए, क्योंकि इस बार कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के अंदर इतना झमेला हुआ ना कि वीडियो बनाऊं तो फिर बोलूं मैं क्या उसके अंदर, ठीक है। और क्योंकि आपको भी पता है कि इसके अंदर इस बार हैकिंग भी हुआ था, ये तो किसी से छुपा नहीं है। कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम को हैक किया गया, फिर उसका खुलासा हुआ, एग्ज़ाम को कैंसिल करके री एग्ज़ाम कराया गया, उसका फिर से एग्ज़ाम से शेड्यूल करके कराया गया। ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बारे में अब मैं बोल के भी क्या कर पाता, कुछ नहीं फ़ायदा है। जो चीज़ें प्रोसेस में थी, गलत हुई, तो उसको सुधारने की कोशिश की गई। बाकी रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हो कि कम से कम एक वीडियो तो बना दो, आप तो एग्ज़ाम के बाद वीडियो बनाया ही नहीं आपने इसके बारे में। देखो, रिजल्ट कब आएगा पता नहीं है, बट एज एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होती हैं, डिले होने का रीज़न क्यों है। जैसे पहले एक बार, बहुत पहले देखो हुआ क्या था ना, जब बीच में एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया था, दोबारा से कराया गया था, तो पहले रिजल्ट ला दिया गया, बाकी पेंडिंग रिजल्ट्स को बाद में लाया गया था, बहुत पहले की बात है। बट इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ उसके पीछे का मैं रीज़न बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, ठीक है। बस कुछ चीज़ों को समझना समझदारी से, और बाकी कुछ भी चीज़ मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि हाँ मेरे मन में आ रहा है, ख्याल आया मेरा और मैंने बोल दिया, कि ऐसा चीज़ नहीं। और देखो, रिजल्ट कब आएगा इसकी 100% चीज़ें किसी को नहीं पता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को नहीं पता है। कोई अगर डेट बता देना एग्जैक्ट इस डेट को आएगा नहीं आएगा, PSL का भी बोल रहे थे ना एयरफोर्स का कि इस डेट को आ जाएगा, नहीं आया ना, तो ये सभी चीज़ें किसी को पता नहीं है, तो हवा में तीर मारते हैं सब लोग, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो। तो मैं जो भी बताऊँगा एक्सपेक्टेड बताऊँगा, और कभी ऐसा हो सकता है ना मैं बोल दूँ कि इस तारीख को आ जा आएगा, और हो सके कि आसाम को आ जाए, लेकिन आएगा तो नहीं, लेकिन आसाम को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आसाम को ही आ जाए, तो फिर बोलोगे मास्टर आप तो तेज़ बन रहे थे, आज ही आ गया। तो चीज़ों को मैं बताऊँगा आराम से, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप में जब कोई अगर कोस्ट का DV एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है, तो मैंने देखो नेक्स्ट भर्ती के लिए अभी से ना आपको 10 मॉक टेस्ट की एक मॉक टेस्ट मैंने लॉन्च कर दी है आपके ऊपर, ठीक है। अगर किसी ने GD का मॉक टेस्ट ले रखा होगा तो वो मत लेना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर Section 1 का है वही आप लगाओ। अगर आपने GD का नहीं ले रखा है तो DV का ले लो, इसमें 80 रुपीज़ की टेस्ट होगी, मॉक टेस्ट होगी, अभी बहुत कम प्राइस की है ये, जिसके अंदर 10 टेस्ट तो होगा, लेकिन ये नहीं कि बस एक एक बार लगा दिया, मैंने इसको अनलिमिटेड बार कर दिया। 10 टेस्ट को आप जितने बार मन करे उतनी बार लगा लो। मान लो इस महीने में आपने ये 10 टेस्ट लगा लिया ना, रोज़ रोज़ तो टेस्ट लगाओगे नहीं, अभी तो एग्ज़ाम है नहीं, सप्ताह में 2 टेस्ट लगा लो, ठीक है, सफिशियंट है। तो आप महीने में मान लो 10 टेस्ट लगा रहे हो, और अगले महीने में क्या होगा ना, अब जो पहला टेस्ट आपने लगाया होगा उसका आंसर भूल जाओगे, तो आपको फिर से मन करेगा। तो आराम से इन 10 टेस्ट को ना आप एग्ज़ाम तक एक सपोर्ट की तरह रखो, ऑनलाइन प्रैक्टिस की तरह रखो, बाकी कहीं पैसे वेस्ट मत करो। मैं चाहता तो 15 टेस्ट ला के इसको 150 रुपये की कर देता, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 15 भी टेस्ट दे दूँ तो उससे आपकी फुलफिलमेंट होने वाली नहीं है, आपका पेट भरेगा नहीं, तो पैसे आपसे बना के मेरे कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट एक सर्वर कॉस्ट की तरह से मैंने आपसे लिया, और मैंने आपको 10 टेस्ट दे दिया ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। अगर आप कोस्ट गार्ड GD की लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर। या बच्चा कोई अभी से नेक्स्ट DB की या फिर GD की Section 1 की तैयारी करना चाहता है, तो हमारे पास रिकॉर्डेड बैचेज हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अभी से प्रिपरेशन करो नेक्स्ट वैकेंसी की, तैयारी दबा के, क्योंकि तैयारी 3 महीने में नहीं होती है, एटलीस्ट 5 से 6 महीने चाहिए कोस्ट गार्ड के लिए। कंपटीशन बहुत टफ है, मैं फिर से बोलूँ, कोस्ट गार्ड के अंदर कंपटीशन बहुत टफ है, आपको कम से कम 6 महीने 5 महीने देने होंगे। तो आप कहीं से प्रिपरेशन करो अभी से स्टार्ट कर दो। अगर A to Z स्टडी से करते हो तो डिस्क्रिप्शन में A to Z स्टडी ऐप है, जो मैंने मॉक टेस्ट के लिए बताया था, वो ऐप को डाउनलोड करो, और हमारा रक्षक बैच ज्वाइन कर सकते हो GD के Section 1 के लिए और DB की कंप्लीट बैच के लिए, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाती हैं, ठीक है। अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेमेंट करने ना आए आपको तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787। बहुत लोगों को पेमेंट करने नहीं आ रहा है तो आराम से आप व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करके पूछ लो किस तरीके से पेमेंट करना है। अब मैं कुछ रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो, रिजल्ट आपका आना नहीं आना वो तो अलग चीज़ है। एग्ज़ाम जब हुआ था तो क्या आपको लग रहा था कि आपका रिजल्ट बनना शुरू हो गया? नहीं, देखो भाई, ये आपका OMR पेपर का एग्ज़ाम नहीं है कि आप एग्ज़ाम दे के आ गए, देन कोई बैठ के OMR पे आपका जो है ना वो मिला रहा होगा, क्या कहते हैं उसको, OMR चेक हो रही होगी, देन रिजल्ट बनेगी, ये सभी चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे अगर आपने एग्ज़ाम दे लिया ना तो आपका रिजल्ट रेडी है, आपके कितने स्कोर आए ये चीज़ रेडी है, मतलब समझ रहे हो। क्योंकि आजकल आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, मान लो A to Z स्टडी ऐप से या फिर कहीं पर भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तो क्या रिजल्ट में कोई डिले होता है? नहीं ना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का यही फायदा है कि आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट रेडी होता है उसी टाइम पे, इसीलिए 25 दिन हो जाता है 25 दिन के अंदर। तो कहोगे सर 25 दिन क्यों, इसको तो चाहे तो 2 दिन के अंदर भी दे सकते हैं ना ऑनलाइन एग्जाम है, तो नहीं 2 दिन के अंदर नहीं, बिकॉज सिर्फ रिजल्ट बना देना इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। अभी क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी है, नॉर्मलाइजेशन नहीं भी था तो बहुत सारा फैक्टर था जिसकी वजह से डिले होता था।
लाइक मान लो ना, कभी कभार क्या होता था, रिजल्ट आ गया, सॉरी एग्जाम हो गया, आंसर की चेक, आंसर की भी उनको तो दिखाते नहीं है, बट आंसर की उनके पास होता है और सडनली वो लोग पता कर लेते हैं और आपका ऑलरेडी रिजल्ट बन के रेडी हो जाता है किसने कितना स्कोर कर दिया। लेकिन बात जो कट ऑफ बनानी होती है उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है और कोस्ट गार्ड सिर्फ इसी के पीछे तो बैठी नहीं है, खाली रिक्रूटमेंट ही कराना है, बहुत सारे काम वाम होते हैं। हाँ, कोस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट सेल है अलग से, वो बात अलग है, लेकिन उतने भी डेवलप अभी नहीं है, तो उसमें एक पूरा अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, तो चाहे वो कोस्ट गार्ड क्या, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब में इतना टाइम तो लगता ही, जनरली बहुत सारे करेक्शंस करने होते हैं या फिर जो भी उनका डिपार्टमेंटल चीज़ है वो होता है। तो अभी से अगर मैं 25 दिन बोलता हूँ तो अभी तो एग्ज़ाम दो पार्ट में हो गया आपके, एक एग्ज़ाम आपका पहले हुआ, उसमें से किसी को कैंसिल करा के फिर से नई शिफ्ट में कराएगी, तो आपको क्या लग रहा है इस बार नॉर्मलाइजेशन है ना, नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइज किस बेसिस पे करेंगे वो लोग रिजल्ट को। अब जो बाकी के पहले शिफ्ट हो चुके हैं और जो नया शिफ्ट हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन सारे शिफ्ट को मिलाकर होता है, तो ये रिजल्ट ऑलमोस्ट अभी, और मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, जितना रिजल्ट बनाने में देर लगता है, तो 15 तारीख के बाद एटलीस्ट वो लोग कम से कम 15 दिन और लगा दें, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उनको करना है, तो न्यू शिफ्ट जो आपका हुआ इस बार एग्ज़ाम, उनको भी उसके अंदर शामिल करना होगा और न्यू शिफ्ट को मिला के, और फिर इनको इस बार रिजल्ट देंगे, तो ये भी चीज़ आपको काउंट करना होगा कि उनको देखना होगा कि इस बार रिजल्ट कैसे देते हैं। हमें ये चीज़ नया देखना है कि जोन वाइज देते हैं कि ऑल इंडिया रैंक पे देते हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इस बार रिजल्ट जोन वाइज आनी चाहिए, बिकॉज अलग 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 जोन की सीट अलग अलग है, तो उसी रेशियो में रिजल्ट भी देना होगा उनको। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होगा, ये 100% शोर नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट उनको जोन वाइज देना चाहिए, जैसे नेवी के अंदर देते हैं, स्टेट वाइज देते हैं, तो ये स्टेट वाइज ना, इन्होंने वैकेंसी जोन वाइज निकाली है, तो जोन वाइज ही निकलनी चाहिए कट ऑफ। ठीक है, बाकी इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा और ऊपर से तो एग्ज़ाम को रिशेड्यूल करके लिया गया है, तो कम से कम 15 डेज का आप टारगेट और कर सकते हो। बाकी इस दौरान आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपकी एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गई है, सुनो, एग्ज़ाम अगर आपकी एवरेज भी गई है ना, तो आप प्रिपरेशन करो अगली बार के लिए अभी से। लेकिन आपकी एग्ज़ाम लग रही है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, तो भी आपको बैठना नहीं, आपको रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि आप जब स्टेज टू में जाओगे, ठीक है, स्टेज टू के अंदर जब आप जाओगे, देन आपको फिर से सेक्शन वन के सारे पेपर देने होते हैं, ठीक है, OMR के ऊपर देने होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो पेपर होता है स्टेज टू के अंदर, एडेप्टिविटी टेस्ट, उसके अंदर आपका एक पेपर होगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का, डेट इज SRT, और सेकेंड पेपर होगा यही चीज़, ठीक है। एडेप्टिविटी टेस्ट के अंदर दो पेपर होते हैं OMR के ऊपर, एक तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, दूसरा ये होता है जिसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉमन क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, तो इन सभी चीज़ों को मैथ के भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम या फिर नो डाउट जो कह लो, प्रॉब्लम भी तो उन्हीं को, आपको भी नहीं होना चाहिए बिकॉज आप पढ़ के जा रहे हो। और ये सारे क्वेश्चन सेक्शन वन वाले होते हैं, DB के अंदर जो पूछा जाता है, GD के सेक्शन वन में पूछा जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो भी गाइज आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखोगे, पढ़ाई को छोड़ोगे नहीं, बिकॉज अभी पूरा खेल बाकी है, सिर्फ टायर वन का या फिर स्टेज वन का रिजल्ट आपका सिलेक्शन नहीं फिक्स करता है। फिजिकल कितनी भी अच्छी हो, मेडिकल कितने भी फिट हो, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, बिकॉज आगे जाके फिर से एक रिटर्न देना है आपको, और वहाँ पर भी अच्छे खासे बच्चे आउट होते हैं। बाकी जो चल रहा है वो तो दिख रहा है आपको, बाकी प्रिपरेशन करो, और किसी को अगर पेड बैच ज्वाइन करना है तो हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो, पेमेंट करने नहीं आ रहा तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787, या फिर अभी तक किसी ने कोस्ट गार्ड GD में भी किसी ने प्रिपरेशन नहीं किया होगा, मतलब कहीं से खुद से एग्ज़ाम दे के आ रहे हो और आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो स्टेज टू का जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा ना, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आएगा, उसके लिए आप हमारी रक्षक बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहीं से सवाल बनने वाले। SRT को छोड़ दिया जाए तो SRT के अंदर किसी को फेल नहीं किया जाता, वो तो जस्ट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, उसमें किसी को फेल नहीं किया जाता, फेल होता है उसके अंदर जो दूसरा पेपर होता है सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। ठीक है, बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।